मोदी सरकार का बड़ा प्लान, पेपर नोट का गया जमाना, अब चलेगा डिजिटल करेंसी। क्या फिर आएगी नोटबंदी? क्या होगा डिजिटल करेंसी से? यह कैसे करेगा काम? नहीं पड़ेगी अब नोट रखने की जरूरत, क्योंकि डिजिटल करेंसी से कर सकेंगे लेन देन। बहुत हुआ पुराने जमाने में जीना, अब भारतीय डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से होंगे दुनिया से 4 कदम आगे। मोदी सरकार ने नया प्लान बनाया है, अब देश में डिजिटल करेंसी चलने जा रही है। वैसे तो डिजिटल करेंसी कई रूप में पहले से चलन में है, लेकिन अब बड़े रूप में इसे इस्तेमाल करने का प्लान चल रहा है। अब की डिजिटल करेंसी हर हाथ में पहुंचे, इसकी तैयारी चल रही है, जिसकी शुरुआत हो भी चुकी है। अब पेपर करेंसी की जगह डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होने वाला है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस नए करेंसी के आने से पुराने करेंसी को बाजार से हटा लिया जाएगा? क्या ये नोटबंदी जैसा हाल होगा जब हमें अपने पेपर करेंसी को वापस बैंकों में जमा करना होगा? सवाल कई हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो चलिए जवाब भी जान लेते हैं। अब तक यूपीआई का चलन तेजी से बढ़ा है, ये एक आंकड़े से समझ सकते हैं कि वित्त वर्ष 2023 में यूपीआई के जरिए 139 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। यूपीआई ने लोगों के जीवन को आसान कर दिया है। 1 रुपए का ट्रांसफर हो या हजारों का, यूपीआई से आसानी से कुछ क्लिक्स में पेमेंट हो जाता है। इससे दो सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि रुपए ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और कैश न रहने पर आसानी से यूपीआई के इस्तेमाल से पेमेंट किया जा सकता है। ऐसी ही सुविधा डिजिटल करेंसी देने वाला है, यहाँ भी अपने मोबाइल फोन से आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। इससे बड़ी सुविधा ये होगी कि बिना इंटरनेट के यूज के भी इसका प्रयोग किया जा सके। सरकार और बैंक से सुविधा देने की तैयारी में है, इससे इंटरनेट की समस्या खत्म होगी। इसका प्रयोग देश के दूर दराज के इलाकों में भी किया जा सकेगा, जहाँ मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता न हो। क्या है डिजिटल करेंसी, इसे समझे तो पाएंगे। डिजिटल करेंसी आपके बैंक नोट का ही डिजिटल स्वरूप है। इसका नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC है। ये करेंसी नोट का डिजिटल फॉर्म है, जिसे RBI जारी करता है। अभी डिजिटल करेंसी के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं: क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC और स्टेबल क्वाइन। यह अत्याधुनिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इनकी सबसे खास बात यह होती है कि इनका लेन देन पूरी तरह से वर्चुअल होता है। CBDC का ही प्रयोग अब बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। हालांकि इसके प्रयोग में आने से पेपर नोट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम UPI के इस्तेमाल से पेमेंट करते हैं, उसी तरह डिजिटल करेंसी से भी पे कर सकते हैं। अभी डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट की तरह बाजार में लाया जा रहा है, यानी कुछ शहरों में कुछ बैंकों ने इसके लिए टोकन जारी किए हैं। एकाएक इसे आप पर नहीं थोपा जाएगा। अगर देखा जाता है कि डिजिटल करेंसी बाजार में सब अपना पा रहे हैं और इसका प्रयोग सफल रहा है, तब यह सबके लिए लागू किया जाएगा।